सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए बाबा तेरा द्वारा ए, बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए बाबा तेरा द्वारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए बाबा तेरा सहारा ए, तेरे ही परोसे तेरे ही परोसे बाबा तेरे ही परोसे, बाबा तेरे ही परोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी ना, चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना, ना चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना, कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, मैनू मानी।
सतगुरु तोड़िना। मैं आन डिगागर तेरे ते, मैनू खाली दर तो मोड़िना। साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमरे ना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। Thank you.
Thank you.
तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे Yeah.
Thank you.
होती है कि जो छोटे बच्चे वाले हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो हाथ जोड़कर निवेदन कृपया पीछे बैठ जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो पीछे बैठ जाएं और कोशिश करें कि साथ साथ में बैठें और रास्ता बनाकर बैठें। Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hola, vale, Sadie.
Shabba shabba shabba.
Bye.
सम्मुखित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आपके प्रेम श्रद्धा विश्वास भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। रोज पढ़ते हैं जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धंधे। जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं तो प्रेमियों को अपने भक्तों को भक्ति से निहाल। पिछले 2 साल पहले हमारा जम्मू जाना हुआ तो वहाँ पे जिस घर भी जाओ जिस स्थान पर भी जाओ सुबह 4 बजे जाओ रात 12 बजे जाओ हर जगह प्रेमियों की भीड़ ही थी। एक प्रेमी से जो वहाँ का मुख्य भक्त था उससे मैंने पूछा कि सारी दुनिया से लाखों लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ के लोगों के अंदर गुरु महाराज के चरण में इतना प्रेम कैसे पैदा। तो भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि जब माता रानी किसी पर प्रसन्न हो जाती है ऐसे तो हम मांगते उनसे कि पुत्र की जो है चाहना लेकर के जाता है तो पुत्र मिल जाता है कोई धन की चाहना लेके आता है तो क्यों माँ तो सबको आशीर्वाद देती है तो उनको मिल जाता है अपनी अपनी इच्छाएँ पूरी हो जाती है। लेकिन जिन पर माता प्रसन्न हो जाती है जिन पर माता प्रसन्न हो जाती है उसे श्री अनंतपुर दरबार गुरु महाराज के चरणों तक जोड़ देते हैं। तो ये जो है जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल है। महापुरुष परमात्मा ना श्री गुरु महाराज जी श्री डीसी पाटिल ये वचन फरमाया करते थे जितने भी दुनिया में लोग जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं व्रत कर रहे हैं नियम कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं हवन कर रहे हैं तो कठिन साधना ही कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सीधे अनंतपुर दरबार तक पहुंचने के लिए। और आप सब जो आए हो ऐसे नहीं आए हो आप सबका जन्म जन्म से नाता है और ये सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको सीधे अनंतपुर दरबार की शरण। कितनी सदगुरु की हम पर दया है कितनी कृपा है। उन्होंने हमें नहीं देखा ना हमारे जब को तब को किसने कितने किए हैं उन्होंने अपनी कृपा को देखा और हर प्रेमी को खींच के अपने चरणों से जोड़ दिया। और गुरुमुखों के लिए ये भक्ति का जो धन से वो निहाल करते हैं वो निहाल करने के लिए साधन बना दिए। आपके घरों के नज़दीक जो ये भक्ति के केंद्र हैं ये हमें भक्ति से निहाल करने के लिए ये हमें सदगुरु के चरणों से जोड़ने के लिए है ये हर वक्त सदगुरु को अपने अनुसंग महसूस करने के लिए। इसलिए सबका कर्तव्य है जैसे सदगुरु ने कृपा की है उसका बदला तो हम दे नहीं सकते। कहते गुरु का बदला दिया न जाए मन में उपजत है सबको। गुरु का बदला क्या गुरु के उपकारों का भी वर्णन जीव नहीं कर सकता कि उन्होंने कैसे कैसे हमें निकाल करके अपने चरणों से लगाया है न जाने कौन से पुण्य का फल है या भगवान की कृपा है या परम दयाल जी की कृपा है जो उन्होंने चरणों से जोड़ा है और ऐसे केंद्र बना दिए जहाँ भक्ति विकास का ऐसी उन्होंने कृपा की है। आप सबका भी धर्म है जहाँ जहाँ जो जिस स्थान से जुड़ा हुआ है उनके चरणों में आकर के भक्ति के नियमों की पालना करें सद्गुरु की महिमा का श्रवण करें सद्गुरु की लीलाओं का श्रवण करें सद्गुरु की लीलाओं का गायन करें और रोम रोम को आनंद से भरपूर करें।
लोग भी आनंद से भरपूर करें और परलोक भी आनंद से भरपूर करें। बोलो जय। अब सब गुरुमुख जन अपने अपने स्थान पर ऐसे ही बैठे रहे, शांति पूर्वक बैठे रहे, बीच का रास्ता छोड़ दें, कोई भी जन ना बैठे। बाद में महात्मा जी अगर ने माता से प्रसाद देकर यही सब गुरुमुख जन लें। बोलो भजन चाहते हैं सत्संग इसी तरह चलता रहेगा। जो जाना चाहते हैं वो एक एक करके प्रेम के साथ प्रसाद लेके ऊपर लंगर ग्रहण करके ही जाए। हाथ जोड़कर विनती है, सब अपने स्थान पर बैठ जाए।